हेलो हेलो वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं सबके सब बंदे लोग? होपफुली सबके सब बंदे लोग अच्छे होंगे। तो हेलो, इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो अपना इनक्यूबेटर है गाइस, उसके बारे में। तो गाइस अपना इनक्यूबेटर, न्यू इनक्यूबेटर आ चुका है। तो ये ब्राजील सर्वर पर आज से करीबन 5 दिन पहले आ चुका था, लेकिन अपने भी इधर आ चुका है। तो चलो हम सबसे पहले इसका ट्रेलर देखते हैं। तो गाइस ट्रेलर रिवेल ऐसे नाम से कुछ है इसका, ठीक है। एंड मतलब बहुत अच्छा देखने में, फर्स्ट लुक में तो बहुत सही लग रहा है, ठीक है। एंड इसको हम आगे रिव्यू करने वाले कि इसके कैसे होने वाला बंडल एंड बाकी वगैरह, मतलब कैसा होने वाला। एंड आपको निकालना है तो आपको कैसे निकालना है। एंड गाइस इसका आप देख सकते हो 28 डेज के लिए है, तो बेसिकली 30 डेज के लिए होता है, लेकिन इसको 28 डेज के लिए दिया गया है। तो मैं भी कुछ बैलेंस करने के लिए, मतलब जैसे कि करीना वाला पिछला जो कोरोना वायरस की वजह से अपडेट में कुछ डिले हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए मैं भी इसको 28 डेज का किया गया है। एंड मेरे का बेसिकली 30 डेज के लिए होता है। पिछला 2 डेज कट कर दिया था, इसका भी 2 डेज कट कर दिया, तो इससे गेम बैलेंस हो जाएगा अपना, बिल्कुल अपडेट बिल्कुल सही टाइम पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने बेसिक बात। एंड इसके अंदर हमको क्या प्राइज मिल रहा है ऐसे सामने की साइड। एंड पहला स्पिन मतलब 40 से स्पिन स्टार्ट हो रहा है, 180 के अंदर 5 स्पिन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने ब्लू प्रिंट एंड 3 स्टोन जो मिलते हैं। एंड इस पर कुछ नया ऐड किया गया, तो आज कुछ नया ऐड नहीं किया गया, ठीक है। एंड ये बॉक्स के लक्की पेंट्स की रेट है, तो इसके अंदर मैं भी लक्की पेंट्स की रेट है, ठीक है। रुक जाओ भाई, बंदे लोग भी बुलाऊँ तो लक्की पेंट्स की रेट है। तो गाइस इसमें मैं भी हमको कुछ रेयर आइटम मिल जाएगा, ठीक है। एंड अल्ट्रा रेयर आइटम, तो मैं सोच रहा हूँ यदि वो वाला पेंट है तो गाइस ये ज़रूर निकालेंगे। एंड इसके अंदर क्या चीज़ है वो मैं बाद में आगे दिखा दूंगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपने बंडल। तो अगर शुरू बंडल करते हैं, सबसे बेस्ट वाला बंडल कौन सा इस वाले वीडियो में पूरा बताता हूँ। एंड हाँ, आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी न्यू आइटम आएगा गाइस हम उसका रिव्यू करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है रिव्यू कर देंगे। एंड आपको बेस्ट तरीका बताते हैं कि आपको ये बंडल कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा एकदम इजीली में, ठीक है। तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड कोई सा भी न्यू इवेंट आए तो गाइस एक बार आकर चैनल को जरूर से जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक इवेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का, वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस सबसे पहले अपना ये वाला मेल का बंडल है। तो सबसे पहले इसके बात करें इसके हेयर के, तो गाइस है रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है, उतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। एंड इसका जैकेट की बात करें तो गाइस देखो जैकेट में एक्स्ट्रा एडिनेशन ऐड किया गया, मतलब एक्स्ट्रा ये जो आप मतलब सामने जो ऐसे मतलब बिल्कुल ये तगड़ा वाला यूज़ किया गया है, तो ये मतलब मेरे ख्याल से मेरे को उतना ओपी नहीं लगता है। एंड मेरे ख्याल से आप बंदों को भी उतना ओपी नहीं लगते ये लाइट वाइट निकलना। हाँ कपड़ों में से निकला तो सही चीज़ है, लेकिन ये अलग से ऐड करना मतलब बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब दो ऐसे अजीब ही दिख रहे थे, देखो पीछे से देखोगे तो ये दो अजीब ही चीज़ दिख रही है इसके एकदम बाजू के ऊपर, तो ये मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। एंड बंडल मतलब ठीक है। एंड आज बात करें इसके पैंट का, तो इस पैंट है हल्का ब्लैक एंड रेड रंग का यूज़ किया गया पैंट में। एंड मतलब फैशन वाला पैंट है, तो मतलब बहुत सही है, जो नेचुरल खेलते हैं नेचुरल वाला ये जो पहनते हैं गाइस, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसी टाइप का पैंट है। तो गाइस ये वाला पूरा बहस अपने रियल लाइफ पे है, मतलब ऐसे कोई रोबोटिक टाइप का नहीं है, तो रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम तो है मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड इसका शूज की बात करें तो गाइस शूज भी ओपी लेवल है, लेकिन इस पर आप अलग कॉम्बिनेशन से अलग शूज मतलब ट्राई करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मेल का बंडल, ठीक है। तो अपने स्टार्ट का जो मेल का बंडल का वो है नंबर 1 पर, तो ये मिलने वाला आपको 7 स्टोन प्लस 3 ब्लूप्रिंट के अंदर। तो बाकी आपको आगे बता दूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। एंड फीमेल के बंडल की बात करें तो बस फीमेल का बंडल बिल्कुल सेम है ऐसा का ऐसा, तो ये भी मेरे को उतना कोई खास नहीं लगा। हाँ इसका ये जो आपको चश्मा मिल रहा है ये बहुत सही है, ठीक है। एंड मेरे को फीमेल का बंडल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो उतना मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको सारे बिना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है आप, ठीक है। एंड लड़कियों के ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद कैसा है मेरे को पता नहीं, तो वो ऐसे ही कपड़ा पहनती होगी तो इसकी वजह से। एंड मैं भी चलो आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 2 पर चलते हैं ये वाला बंडल। तो भाई ये बंडल में मतलब 1% भी कमी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ येलो कलर मेरा फेवरेट है, ठीक है, येलो कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को येलो कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड सेकंड चीज़ इसका तो कॉम्बिनेशन देखो आप, येलो एंड रेड, सॉरी येलो एंड वाइट, तो गाइस वाइट एंड येलो का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, एंड उतना अजीब नहीं लग रहा, ठीक है, उतना हाईलाइटेड नहीं है, तो सबसे तगड़ी चीज़ यही है इसका हेयर, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं इसके जैकेट की, तो देखोगा जैकेट मैंने आपको बोला था कि इसमें एक्स्ट्रा एनिमेशन एड
अलग से नहीं किया हुआ, ठीक है। ये दो दो चीज़ें आपको ऊपर इसके शोल्डर पर दिख रही है, लेकिन इसमें कोई वो एनिमेशन नहीं है, तो उसकी वजह से ये इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। इसके हाथ पर एक एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं एनिमेशन है, तो ये इसकी वजह से बहुत सही लग रहा है। एंड ब्लैक एंड येलो कलर का तो कॉम्बिनेशन ही अलग ही होता है, ठीक है, एक ओपी लेवल का अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। एंड इसका पैंट की बात करें तो भाई ब्लैक कलर का है, एंड ब्लैक कलर मतलब मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है होता है, ठीक है। आप यदि रियल लाइफ में आप ऐसे जाओगे तो ब्लैक कलर का पैंट मतलब बहुत ओपी लेवल, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ लगा मेरे को। एंड शूज की बात करें तो शूज तो आपको अलग से ट्राई करने पड़ेंगे, एंड मेरे को ये ओवरऑल आप पूरा बंडल देखोगे ना गाइस तो ओपी लेवल है, ठीक है, सबसे ओपी वाला बंडल लगा अभी तक मेरे को। एंड आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा निकालना चाहिए एंड कब निकालना चाहिए आपको, जो बहुत सही डायमंड पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस लड़की की, तो लड़की में देखोगा चश्मा बिल्कुल सेम सा है, एंड बात करें थोड़ा कलर चेंज किया गया है। एंड इसके अंदर आप बात करोगे तो मतलब लड़कियों वाले का थोड़ा कम ही आइडिया, तो मैं उतना रिव्यू नहीं करता लड़के वाले, क्योंकि वैसे बंदे निकालते नहीं लड़के वाले, ठीक है। एंड यदि आप निकालना चाहोगे तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि वो कौन सा निकालना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं तो नंबर हमका स्टार्ट वाला, तो इसके अंदर 3 स्टोर प्लस 1 आपको ब्लू प्रिंट लगने वाला है। इसके सबसे तगड़ी चीज़ है इसके बाल, ओनली फॉर इसमें सबसे तगड़ी चीज़ इसके बाल है। एंड ऐसे इसके जैकेट की बात करोगे तो मतलब ब्लैक कलर है, लेकिन उतना हाईलाइटेड नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइटेड बनाते हैं तो मेरे भी ये बहुत ओपी मतलब सबसे ज़्यादा ओपी वाला बंडल होता। लेकिन इसके साथ आप ठीक से देखोगे तो इसमें कलर में थोड़ा मतलब ऐसे चेंजेस करके इसको मतलब स्मूथ इसकी जो ग्राफिक्स है इसको भी मतलब थोड़ा कम करके इसको थोड़ा बंडल को थोड़ा ख़राब किया गया है जानबूझ के, ठीक है, थोड़ा जानबूझ के इसको ख़राब किया गया है ताकि यदि इसको लो में डालेंगे तो बंदे लोग निकालेंगे कम। तो ये बंदे मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसका थोड़ा बहुत ग्राफिक्स इंक्रीज करते हैं, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो मैं भी ये बंडल सबसे ओपी होता है, क्योंकि ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत ओपी होता है, ठीक है। इसके पैंट की बात करें तो देखोगा जो इसका मतलब पैंट मतलब थोड़े से ऐसे अजीब से बना दिया गया, ठीक है। एंड आप इसका पैंट देखो, ठीक है, इसका मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है, इसका रियलिस्टिक लग रहा है। एंड इसका भी देखने का पैंट एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन इसका पैंट मतलब देखो आप मतलब ठीक से देखोगे ना आप अपने मोबाइल के अंदर खोलोगे, ठीक है, इसको जूम करके आप देख लेना पैंट को, बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है पैंट, ठीक है इसका। एंड इसकी आप बात करोगे तो इस वाले के अंदर ओनली फॉर इसका हेयर मेरे को बहुत अच्छे लगे, ठीक है, बहुत अच्छे लगे मैं इसके हेयर। एंड बाकी आप बात करोगे तो मतलब कोई खास नहीं है बंडल, ठीक है, कोई खास नहीं है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि इसमें सबसे तगड़ा वाला बंडल कौन सा है, ठीक है, आपको कौन सा निकालना चाहिए एंड कब निकालना चाहिए तो आपको सबसे कम डायमंड में पड़ जाए, ठीक है। तो गाइस सबसे बेस्ट बंडल है इसका ये नंबर 2 वाला 5 स्टोन प्लस 2 ब्लू प्रिंट, सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि इसका पैंट ओपी है एंड इसके हेयर भी ओपी है एंड इसका जैकेट भी ओपी है, तो मतलब ओवरऑल पूरा बंडल ओपी है। एंड नंबर 1 वाला मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एनिमेशन तो ऐड किया गया, लेकिन मतलब थोड़ा बंडल में थोड़ी सी कमी है, मेरे को जो कमी लगी वो ये इसके शोल्डर पर ये वाला बिजली वाला निकलने वाला जो एक्स्ट्रा एनिमेशन है ये थोड़ा इसका लुक को थोड़ा ख़राब कर देगा मेरे ख्याल से, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया लेकिन इसके लुक को थोड़ा ख़राब कर देगा। एंड बाकी आप इसके साथ भी जा सकते हो। एंड नंबर 2 वाला सबसे ओके है तो मैं ट्राई करूँगा इसी को निकालने का। एंड अभी गाइस बात करें निकालना कब है, ठीक है, तो गाइस देखो अभी आप निकालोगे तो लगभग आपको एक ब्लू प्रिंट में कम से कम 1000-2000 डायमंड लग जाएंगे, तो मेरी बात मानो अभी मत निकालो, ठीक है, अभी निकालो मत, मैं भी अभी नहीं निकालूंगा। 50% का जब डिस्काउंट आता है तो गाइस आपको पता है इंक्यूबेटर में हर बार 50% का 3 से 4 बार डिस्काउंट आ जाता है, तो पहला डिस्काउंट लगभग 7 दिन बाद आता है, तो 7 दिन बाद निकालना आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा जब मैं निकालूंगा, तो ठीक है, तो मैं निकालूंगा तब आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड मैं आपको बता दूंगा कितना डायमंड मिलेगा। तो यदि आप अभी निकालते हो तो उससे बेटर है कि आप 7 दिन का वेट कर लो उसके बाद निकालना, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपको अभी निकालोगे आपको उतने डायमंड नहीं लगाते हो, ठीक है, आपको उतने डायमंड नहीं लगाते हो एंड आप सोच रहे हो कि हमको मिल जाए, तो जहाँ पे आपको ये मिलेगा उसकी जगह आपको ये मिल जाएगा जो सबसे ओपी बंडल है, ठीक है। एंड ये सबसे ओपी बंडल है गाइस, आप चाहे किसी भी बंदे के जाके देख लेना जो बंदा रियल में ऐसे गेम खेलता है बहुत टाइम से, एंड उसको आप जाके पूछ लेना कि भाई कौन सा बंडल ओपी, तो गाइस वो आपको यही बताएगा कि नंबर 2 वाला सबसे ओपी बंडल है, ठीक है। एंड आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को नीचे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइक करना एंड बहुत ज़्यादा शेयर करना एंड बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, और बाकी आप लोग की मर्जी यार, आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है, मिलता हूँ इसी तरह के बिल्कुल न्यू वीडियो का, तब तक के लिए लव यू एंड गाइस बाय बाय।